अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं एक्सेल के एक शीट के बारे में बता रहा हूं जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूं। गाइस, जो मेरा अपना है वो मैंने स्प्रेडशीट पे बनाया है जो गूगल डॉक्स का है और वहां से मैं गूगल ड्राइव के थ्रू उसको मैनेज कर रहा हूं। लेकिन गाइस, आपको मैं एक ऑफलाइन कॉपी दे रहा हूं एक्सेल में, आप उसको चाहे तो ऑनलाइन यूज़ करें चाहे तो ऑफलाइन यूज़ करें। गाइस, इस शीट के अंदर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है जो हर किसी को समझ आती है। ये कोई टेली या पीच ट्री सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल में एक शीट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं, छोटा है बड़ा है या मीडियम जो भी है, या आप में से जो लोग अकाउंटेंट्स हैं या वो लोग जो घरों में भी कैलकुलेशंस करते हैं रोज़ाना, तो उनके लिए भी ये शीट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जो शीट है ये सिर्फ मैंने अपने सब्सक्राइबर्स और मेरे अपने व्यूअर्स के लिए बनाया है, मतलब ये मैं ओपनली किसी को नहीं दे रहा। जो बंदा मुझे ईमेल करेगा, डिस्क्रिप्शन से आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जो भी ईमेल मुझे आएगी मैं उस पर आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो चलिए गाइज, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और ये शीट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको ऑपरेट करना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। गाइज, जो गूगल डॉक्स है मैंने वहां से एक कॉपी डाउनलोड की है, मैं उसको खोल देता हूँ यहाँ से। गाइज, मैंने तमाम जो फार्मूले हैं इसके अंदर वो मैंने पुट किए हैं और ये रेडी है। गाइज, आपने सिर्फ यहाँ पर अपनी जो डेट है वो डाल देनी है, रोजाना के हिसाब से अपने एक शीट जो है वो कॉपी करनी है, क्योंकि ये कोई मैनुअल हिसाब किताब है, आपको पता है इतना बड़ा जो है वो सॉफ्टवेयर तो नहीं है। मैं डेट यहाँ की डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट डाल देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं गाइज। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एंट्रियाँ जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 10 तक इसको लिमिट किया हुआ है, 10 से आगे आप इंसर्ट जो रोज है वो कर सकते हैं जितना मर्जी आप चाहें, लेकिन 10 जो एंट्रीज है वो काफी हैं। आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले गाइज, आपने ये काम करना है, आपने किसी को कैश हैंड ओवर किया, मतलब या खुद आप बैठे हैं शॉप पे या बिजनेस पे या कहीं पर आप इसको हिसाब किताब अपना कर रहे हैं। गाइज, वन टाइम आपने यहाँ पर कैश इन कर लेना है। गाइज, वो कैश सेल्स का नहीं है, वो आप अपने जेब से डाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या कहीं से आप उधार ले रहे हो, या जहां भी आपको कैश आ रहा है यहाँ पर आपने उसको एंटर कर लेना है। मान ले हमारे पास 2000 रुपए की कैश है, ठीक है, मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया। अब गाइज, यहाँ पर मुझे जो रिमेनिंग बैलेंस है मेरा वो यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके पास 2000 है। अब ये कहानी खत्म हो गई, मेरे पास 2000 कैश है, मैंने किसी को शॉप हैंड ओवर किया, बिजनेस हैंड ओवर किया, जो भी किया। अब यहाँ पर उसको हमने इंस्ट्रक्शन देनी है गाइज, यहाँ पर उसने पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल जितनी सेल्स होती है वो सिर्फ यहाँ पर एंटर करेगा, आप ऑनलाइन गूगल डॉक्स के थ्रू उसको व्यू कर सकते हैं। अब मान ले गाइज, उसने ये सेल्स की है 20, 50 या 500 जितना, अब उसने ये सेल्स किया गाइज 20, 50, 500, 400, 200 जितना भी है गाइज, उसने ये सेल्स करके आपको अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। अब उसने खुद ही यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया कि इतनी सेल्स हुई है आज की। गाइज, मान ले 500 रुपए का एक ऑनलाइन जो है वो आपके बैंक में आ चुका है, यहाँ पर उसने ये लिखा। अब गाइज, यहाँ पर आपको सादा सा हिसाब है, आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास कैश कितना है और मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, ये तो बहुत सिंपल है। अब गाइज, ये बिजनेस है, जाहिर बात है यहाँ पर एक्सपेंसिस भी होंगे, तो उसने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा है 50, 20, 10 या जो भी लिखा है। अब उसको आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि चलो ये जो सेल्स है ये तो आपने अपने रजिस्टर में नोट करने हैं, लेकिन मुझे सिर्फ कैश का अमाउंट चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस ऑन द स्पॉट चेक किया जाता है गाइज। तो आपने उसका डिटेल यहाँ पर, मान ले उसने यहाँ पर लिखा है कि उसने फूड जो है वो इतने का है, उसने जो टी है या जो भी है, और ये जो मान ले वाटर, मतलब उसने पानी जो पिया। अब गाइज, ये शीट आपके लिए क्या कर रहा है, एक तो आपको यहाँ पर समरी शो कर रहा है कि आपके पास कैश कितना है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये कितने हैं, उसके बाद आपका एक्सपेंस कितना हुआ है टोटल 80 का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2000 आपने उसको दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा इनकम है गाइज वो 1170 रुपए है और जो हमारे एक्सपेंसिस है वो 80 रुपए है। तो गाइज, ये तमाम कैलकुलेशन करके हमारे पास जो कैश बचा है वो 3090 रुपए है। इस तरह एक मैंने टैब एक्स्ट्रा बनाया है गाइज, कैश इन बैंक। अब गाइज, इस टैब के अंदर आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, डेली के हिसाब से कितना कैश आ रहा है, अगर बैंक अपना कोई परसेंटेज काटा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट आया है, बैंक ने कितना डिडक्ट किया, मेरे पास कितना बचा, और उसके बाद यहाँ पर टोटल आपको शो करेगा। वैसे भी आपके पास बैंक यहाँ पर शो होता है, लेकिन फिर भी आप स्टेटमेंट बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। इस शीट की अगर आप ये खत्म हो जाता है गाइज, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करके यहाँ पर आपने नीचे उसको पेस्ट कर लेना है और डेट वाइज आपने चलते रहना है, तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल आपका सीधा चलेगा और उसमें कोई गलती का चांस नहीं होगा। गाइज, मैं अपना ईमेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने ईमेल करना है। अगर आपको ये शीट फ्री चाहिए तो मैं आपको ये अपलोड करके वापस सेंड कर दूंगा। उम्मीद है गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आ चुकी होगी, वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.